अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा बरकुल अमाल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और एनिमल केयर यूनिट रेस्क्यू सेंटर की फाउंडर। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ज्वाइंट रोड पर और यहाँ पर एक फैमिली जो है उन्होंने हमें केस रिपोर्ट किया कि आए और आकर देखें ये कुछ पपीज। आप ये देख सकते हैं ये पपी, ये है पपी, वो सरफोने में है, तो इनको जो है वो मदद की ज़रूरत है। फिर हमने जो है वो इनसे रब्ता किया और यहाँ पर अपने डॉक्टर के साथ आए हैं और आके देखा। ये आप देख सकते हैं इसकी स्किन का इशू बहुत ज़्यादा है और ये मतलब इसको स्किन के ऊपर इतनी खारिश है कि इसको खुजा खुजा के जो है ये इसने अपना ये देखिए किस तरह से स्किन को डैमेज किया है। तो ये इसके अलावा ये जो आप इसका कान देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे से जो है ये कीड़े ये यानी कि इसके कान में हुए हैं और ये जब बढ़ जाते हैं तो फिर ये वो जो मुतासर जगह है उसको खाना शुरू कर देते हैं और रफ्ता रफ्ता जो है वो जगह ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो हमने अपने डॉक्टर को जो है वो बुलाया और उस डॉक्टर साहब ने जो है वो हमारा बकायदा साथ दिया और इनको इंजेक्शन भी लगा दिया और फर्दर जो भी ट्रीटमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब जितना भी हमसे हो सका हम इनको ट्रीटमेंट फराहम करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनिमल्स को रेस्क्यू करती है और इसके अलावा उनको ट्रीटमेंट भी फराहम करती है अपनी मदद आपके तहत। लेकिन हम चाहते हैं कि और भी बहुत से लोग जो हैं वो हमारा साथ दें और हमें डोनेशंस दें ताकि इन स्ट्रे एनिमल्स की हम मदद कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है इस तरह के जानवरों को देखकर बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है और उनसे दूर भागा जाता है कि वो कहीं आपको बाइट ना कर लेंगे, उनकी डिजीज़ जो है वो आप में मुंतकिल ना हो जाए। तो बजाय इसके कि आप उनको अगर खुद से कुछ नहीं कर सकते तो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करें। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर भी है, आप डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम अगर आप कुछ इस तरह से नहीं इनको ट्रीटमेंट फराहम कर सकते आप हमसे मदद दें और हम आपकी मदद करें। ये दोनों बच्ची हैं, मैं इनका नाम जानना चाहूँगी। बेटा आपका क्या नाम है और आपका नाम? और ये परी को देखिए इसने कितने प्यारे तरीके से जो है वो एक रैबिट को पकड़ा हुआ है और परी से जानेंगे कि इस रैबिट का जो है वो नाम क्या है। परी, इस रैबिट का नाम क्या है? कुकु, बड़ा ही प्यारा नाम है। तो इसका नाम किसने रखा है? आपने रखा है इसका नाम। आपको जानवरों से मोहब्बत है? और आपको तो जानवरों से मोहब्बत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखिए किस तरह इसने जो है वो कुकू को जो है वो अपने साथ चिपकाया हुआ है और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने जो है वो हमें मदद के लिए बुलाया और हम इन्हें सराहते हैं, हम इन्हें सल्यूट करते हैं क्योंकि इसी किस्म के लोग होते हैं जो आगे लोगों के लिए जो है वो मोटिवेशनल साबित होते हैं और हम इन्हीं को देखकर जो है और मुझे देखकर और हम ऐसे बहुत सारे इदारों को देखकर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखकर जो है वो हमें नसीहत पकड़नी चाहिए, उनका फॉलोअर बनना चाहिए और खुद भी छोटी मोटी जो है वो अपने तौर पर मदद करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आप लोग ये बताओ कि जानवरों से मोहब्बत कैसे हुई आपको? हम लोगों को जो है छोटे जानवर जो है बहुत क्यूट लगते हैं और। अच्छा, तो घर में जब आप रखते हैं तो मामा पापा की तरफ से कोई डांट तो नहीं खाई कभी के आप एनिमल्स को उठा के ले आते हैं घर में? नहीं लेके आप डांट नहीं पड़ती है तो चलो अच्छी बात होगी है। ये तो ये खाता क्या है? गुड हो गया, यानी ये देखिए खाली जो है वो बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो जानवरों को लाला कर अपने घरों में रख लेते हैं लेकिन उनको फैसिलिटेट नहीं करते। लेकिन ये लोग जहाँ पर जो है वो देखते हैं कि इनके आस पास ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके अलावा जो घर में रखे हुए जानवर हैं उनको भी ये निगलेक्ट नहीं करते, इनको अच्छे से खिलाते पिलाते सुलाते और इनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। तो ये आप देखें, ये हमारी यूथ है, ये हमारे बच्चे हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को जो है वो सलामत रखे क्योंकि यही बच्चे आगे जाके हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। और अभी से इनकी इतनी पॉजिटिव सोच है तो आप सोच सकते हैं कि आगे जाके ये कितना नाम कमा सकते हैं और हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का नाम कितना रोशन कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों के साथ ये अपील करूंगी कि बच्चों को कभी भी जो है वो जानवरों से दूर ना करें, बजाय इसके कि आप उनको ये सिखाएं कि ये बुरे हैं या इनसे दूर हो जाएं या ये गंदे हैं। आप इनसे सबक सीखें क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई कोई भी मखलूक गंदी नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक जो है वो काबिले तारीफ है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और जितनी कोशिश हो सकती है आप अपने बच्चों को भी जानवरों के साथ रखा करें और ताकि आपके बच्चे भी बड़े होकर जो हैं वो प्यार मोहब्बत फैलाएं और प्यार मोहब्बत की जबान को समझें। आए हम सब मिलकर जो है इन बच्चों के लिए क्लैपिंग करते हैं, बच्चों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इन घर वालों को मैं सीरियसली सराहती हूँ। लास्ट में जाते जाते आपको ये कहती हूँ कि
खुद भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है और इस जिंदगी में जो है वो नफरतें फैलाने से बहुत बेहतर है कि आप प्यार और मोहब्बत की जबान बोलें और प्यार मोहब्बत को फैलाएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी दुआ में याद रखिएगा, फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।